और वॉर जोन में टाइम्स नाउ नव भारत की एंट्री हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर तैनात हैं। बिल्कुल, वॉर के ट्रिगर पॉइंट से अब लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे। रूस, यूक्रेन और साथ ही पोलैंड के सेंटर पर हमारी जो टीम है वो पहुंच चुकी है बैटल फील्ड की आंखों देखी कवरेज, यानी ग्राउंड जीरो से बिल्कुल सटीक कवरेज जब हम आपको दिखाएंगे। हमारे जो रिपोर्टर हैं वहां पर तैनात हो चुके हैं, वॉर के ट्रिगर पॉइंट से लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे, यानी अपनी जान को जोखिम में डाल करके वहां से कवरेज दिखाएंगे। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हमारे साथ वॉर जोन से सीधे लाइव जुड़े हुए। विद्यानाथ झा, आप पहले भी काफी वक्त वहां पर गुजार चुके हैं वॉर जोन में जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब जब युद्ध को 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक बार फिर से आप वहां पर पहुंचे हैं, क्या तस्वीर इस बार आपको दिखाई दे रही है? सवाल मेरा आपसे ये था कि आप पहले भी काफी वक्त जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त गुजार चुके हैं, और ऐसे में एक बार फिर से आप तकरीबन 9 महीने से ज्यादा का वक्त पूरा होने के बाद वॉर जोन में पहुंचे हैं, क्या आप वहां पर बदलाव देख रहे हैं और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, बदलाव अब यह है कि रूस एक बार फिर से एग्रेसिव मोड में है। देखिए, पिछले ही कुछ घंटों में हमने देखा है कि सुमी उब्लास्ट जो है यूक्रेन का, वहां पर सिर्फ 2 घंटे के भीतर 30 अटैक किए गए। सुमी काफी नजदीक है कीव से और ये पूर्वी उब्लास्ट है, पूर्वी इलाका जो यूक्रेन का है वो इलाका है, और यहां से आप कह सकते हैं कि खारकीव से आगे बढ़कर और अगर कीव की तरफ जाना हो रशियन आर्मी को तो यहीं से होकर आगे वो गुजरेगी। पूरा जो पूर्वी इलाका है यूक्रेन का, चाहे वो खेरसोन हो, खारकीव हो, ज़ेफोरिज़िया हो, या फिर थोड़ा सा आगे चले जाइए साउथ में जहां पर लगातार रूस की तरफ से मैकोलिव में अटैक किए जा रहे हैं, ये दरअसल वो इलाके हैं जहां रूस लगातार अटैक कर रहा है। और अब से नहीं, पिछले फरवरी के बाद से, जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई है तब से ही रूस ने लगातार इन इलाकों में अटैक किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ देखिए नेटो देश जो है वो बैठक रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आने वाले दिनों में आगे किस तरीके से यूक्रेन को मदद पहुंचाएं, आगे की रणनीति क्या हो। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय अगर हम बात कर लें तो कहीं कहीं से अमेरिका के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं, और वो आवाजें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि ये जो युद्ध का संकट है, ये जो युद्ध का काल है, इसमें अमेरिका की तरफ से गैस और तेल की जो सप्लाई लगातार की जा रही है यूरोपीय देशों को, उनकी कीमत आसमान छू रही है। तो एक तरफ यूक्रेन को कैसे सपोर्ट किया जाए, यूक्रेन ने नेटो देश से एक बार फिर से सिफारिश की है मदद के लिए, हथियारों की मदद के लिए, लेकिन नेटो देश पहले ये कह चुके हैं कि हथियारों की मदद लगातार हो रही है यूक्रेन को, और अब और ज्यादा हथियार, गोला बारूद की जो जरूरत है उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अभी आने वाला जो वक्त है वो ये बता रहा है, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो और भयंकर होने वाला है। पहले से ही रूस की तरफ उन तस्वीरों में हमने दिखाया कि कैसे इस युद्ध में अब ड्रोन एक बड़े एक्शन के मूड में है, ड्रोन कैसे बड़ी तबाही मचाने के लिए तैयार है। विद्या, आप सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से रूस अब जो कैदी हैं उनको भी आर्मी ट्रेनिंग देकर मैदान में, यूक्रेन के मैदान में उतारने की तैयारी में है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले वक्त में क्या एक बार फिर से, हमने जो पिछली बार देखा था, क्योंकि अभी देखिए ठंड का मौसम यहां पर शुरू हो गया है, टेम्परेचर माइनस में है, और ऐसे में क्या एक बार रूस फिर से आक्रामक होकर कीव की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि बेलारूस बॉर्डर पर और बेलारूस में रूस की तरफ से तैयारी पूरी तरीके से है, और बेलारूस की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर वो यूरोपीय देश या नेटो के जो देश हैं जो रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके खिलाफ वो आगे बढ़ेंगे, वो रुकेंगे नहीं। तो ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच हो रही इस जंग में अब जो तस्वीरें हैं वो दिन प्रतिदिन और आप कह सकते हैं कि हर घंटे बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन लगातार पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो घुटने नहीं टेकने वाला है, दूसरी तरफ रूस ने ये क्लियर कर दिया है कि वो हार मानने वाला नहीं है, उसने एक बार जो तय कर लिया, पुतिन ने एक बार जो तय कर लिया उस पर वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो लगातार हम जो देख रहे हैं कि हर घंटे यहां आपको आवाज आएगी, मिसाइल अटैक की आवाज आती है, हम हर घंटे देखते हैं कि सायरन बजती है, तो ऐसे में ये साफ है कि अभी आने
वाले वक्त में मौसम का मिजाज तो खराब हो ही रहा है यूरोप में, खासतौर से यूक्रेन की अगर बात कर लें, यहां पर -10 और कई इलाकों में -20 डिग्री तक टेम्परेचर जा चुका है। आने वाले वक्त में घरों के बाहर लोगों के बर्फ जमी होगी, अंदर बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है ठीक से, लोगों के घरों का जो हीटर है वो चल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में दो तरीके से यूक्रेन के लोगों पर मार पड़ रही है, एक तो रूस की तरफ से जो बमबारी की जा रही है, जो अटैक्स किए जा रहे हैं उससे, और दूसरी मार जो है वो मौसम की पड़ने वाली है। विद्या, आप किसी वक्त में हम लोग वॉर को लेकर ये सुनते थे, जंग को लेकर ये सुनते थे कि आने वाले वक्त में जो वॉर होगी वो तकनीक के आधार पर होगी, और इस पूरी जंग में ये देखने को मिला कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे बुलेटिन में हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। अगर आप बता पाएं कि दोनों देशों की तैयारी यानी कि यूक्रेन की तैयारी और रशिया की तैयारी ड्रोन को लेकर क्या है, किस तरीके से वो इस वॉर जोन में अपने आप को तकनीक के आधार पर उतारना चाहते हैं। देखिए, टर्की ने ऐसे ड्रोन्स यूक्रेन को दिए हैं जिसके जरिए यूक्रेन लगातार न सिर्फ पलटवार कर रहा है बल्कि जिस ताकत के साथ रूस यूक्रेन में घुस रहा है उसको B-12 ड्रोन जो है उसके जरिए पलटवार करके न सिर्फ रूसी टैंक्स बल्कि रूसी अटैक्स को भी रोका है। तो हमने पिछले दिनों में देखा है, और जब से ये जंग शुरू हुई है तो हमने देखा है कि तकनीक के आधार पर भी इस पूरी लड़ाई को लड़ने की पूरी तैयारी थी यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी। यूक्रेन, क्योंकि देखिए यूक्रेन बहुत बड़ा देश नहीं है और बहुत शक्तिशाली देश नहीं है, ऐसा माना जा रहा था कि एक हफ्ते एक महीने के भीतर रूस इस जंग को खत्म कर देगा। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो लड़ाई है, चाहे वो तकनीक की लड़ाई हो चाहे वो जमीन की लड़ाई हो, इसमें यूक्रेन अकेला नहीं है, और आप कह सकते हैं कि नेटो देश वर्सेस रूस की ये लड़ाई चल रही है जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें इंग्लैंड भी है, और साथ ही जो नेटो के सदस्य देश हैं वो सभी शामिल हैं। तो सीधी सीधी जो लड़ाई है, चाहे ये तकनीक की लड़ाई हो, चाहे वो हवा की लड़ाई हो, आसमान से आसमान में हमला करने की लड़ाई हो, या आसमान से जमीन की लड़ाई हो, या जमीन से जमीन की लड़ाई हो, इसमें यूक्रेन और रूस आमने सामने भले ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन रूस के सामने पूरा नेटो है, अमेरिका है, यूके है, यानी कि इंग्लैंड है। तो ये लड़ाई बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी, इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस वक्त यूक्रेन में जो लोग अभी इस सबसे मुश्किल दौर, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि यहां पर बिजली सप्लाई नहीं है। हालांकि देखिए, कई ऐसे देश हैं, रोमानिया में जो अभी बैठक चल रही है नेटो के सदस्य देशों की, उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन में पावर सप्लाई रिस्टोर कैसे किया जाए। अलग अलग देश उसमें मदद कर रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन लगातार हमने देखा है जो ज़ेपोरिज़िया है वो सबसे बड़ा पावर प्लांट है यूक्रेन का, वहां पर रूस ने कई अटैक किए हैं। और मैं खुद पिछली बार जब मैं यूक्रेन आया था तो मैं ज़ेपोरिज़िया गया था, वहां पर हमने देखा कि ज़ेपोरिज़िया शहर को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा जो पूरे ज़ेपोरिज़िया का इलाका है, ज़ेपोरिज़िया ओब्लास्ट का जो इलाका है, वहां के जो घर हैं वो अबंडेंट हैं, खाली पड़े हुए हैं, लोग वहां से पलायन कर गए हैं, या तो वो पोलैंड चले गए हैं या फिर दूसरे सुरक्षित देश चले गए हैं। तो ऐसे में यूक्रेन के लिए अब एक तरफ लड़ाई लड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इस पूरे जंग के मैदान में डटे रहने के लिए पलटवार करने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में है वो है कि किस तरीके से अपने नागरिकों के लिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब पिछली बार आप वहां पर गए थे उस वक्त देखिए तमाम चैनलों के और भी रिपोर्टर्स वहां पर थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ नवभारत की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर, वॉर जोन पर मौजूद है, और सिर्फ हम आपको जमीन से सटीक जो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। विद्या, क्योंकि जब पिछली बार आप गए थे उसके बाद से लगातार रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं, पावर प्लांट की हम बात कर लें, सैन्य ठिकानों की बात कर लें, रिहायशी इलाकों की बात कर लें, ऐसे में जो विंटर क्योंकि शुरू हो रहा है इसको वेपन के तौर पर रूस इस्तेमाल करने वाला है, ये कितना मुश्किल होने जा रहा है यूक्रेन के लिए। बिल्कुल, और देखिए इसकी आशंका पहले से ही यूक्रेन को है, और जेलेंस्की कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि रूस अब अगर इस ठंड के मौसम में जहां माइनस टेम्परेचर हो और समझिए कि बर्फबारी हो रही हो, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसे में अगर रूस जो रिहायशी इलाके हैं उन इलाकों पर अटैक करता है तो ये जेनोसाइड माना जाएगा, ये एक तरीके से मानवता के खिलाफ अपराध माना जाएगा। और इसीलिए हमने देखा कि नेटो के जो सांसद
संसद हैं और संसदीय सभा है, वहां पर किस तरीके से रूस को आतंकी देश घोषित कर दिया गया। कई सांसदों ने यह बयान दिया कि रूस जो है वो आतंकी देश है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही रही कि मौसम की वजह से आने वाले वक्त में अगर रूस आक्रामक तेवर दिखाता है और ऐसे में लोगों की मौत होती है तो ये आतंकवादी घटना मानी जाएगी। पहले से ही यूक्रेन कह रहा है कि ये लड़ाई नहीं है, ये युद्ध नहीं है, ये युद्ध दरअसल जानबूझकर छेड़ा गया है यूक्रेन को कब्जा करने के लिए, यूक्रेन को हराने के लिए, झुकाने के लिए, लेकिन यूक्रेन झुकने वाला नहीं है। अब देखिए, आपने क्योंकि पावर सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो मैं आपको बता दूं कि एक वक्त में यूक्रेन जो है वो हथियारों को बनाने वाला हब माना जाता था, और खासतौर से जो खेरसोन शहर है वहां पर हथियार बनाए जाते थे, बड़े बड़े टैंक बनाए जाते थे, क्योंकि सोवियत संघ के वक्त में यही सबसे बड़ा हथियारों का अड्डा हुआ करता था और प्रोडक्शन हब हुआ करता था। लेकिन अब रूस जब से रूस ने अटैक करना शुरू किया है, यूक्रेन में आर्थिक हालात भी चरमराने लगे हैं, आर्थिक हालात रूस के खराब हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका और यूके समेत तमाम जो सहयोगी देश हैं वो मदद कर रहे हैं, जर्मनी की तरफ से मदद भेजी गई है, फ्रांस की तरफ से मदद भेजी गई है, लेकिन इसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ना सिर्फ बड़े बड़े पावर स्टेशन बल्कि जो सब स्टेशन है, जैसे कीव का जो सब स्टेशन है, देखिए कीव के आसपास कई सब स्टेशन जी लड़ाई लड़ी उन तमाम जगहों पर, हमले किए जहां से यूक्रेन सबसे ज्यादा नुकसान झेल सकता था, कमजोर हो सकता था, और यह आज देखने को मिल रहा है। मैं विद्या आपके पास आऊंगा तमाम चीजों को समझने के लिए। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिबाजी हमारे साथ जुड़ गए और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर यादव हमारे साथ जुड़ गए, दोनों डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। मैं शुरुआत सिबाज सर आप ही के साथ करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से विद्या जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, वो एक बात तो साफ कर देते हैं कि ठंड के मौके पर यूक्रेन को रशिया के सामने टिकना एक बड़ा टास्क है, जंग लड़के वो जीते, स्ट्रेटेजी बनाए, ये सब बहुत सेकेंडरी चीजें नजर आती हैं, लेकिन पूरी ठंड में टिके रहना रूस के आगे ये सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल, देखो दो बातें होनी है कि रूस विंटर को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, दो तरीके से मार कर रहा है। एक तो वो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहा था, कीव का है, खार्की का है, लाविव का है, वहां पर मिजाइलें, रॉकेट, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिविलियंस का है वो भी बर्बाद हो गया, और दूसरा कहीं ना कहीं ये जो बिजली पानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस, उसको भी वो एक प्रकार से नुकसान दे रहा है। आज 50% के करीब जो सिटीज हैं उसमें ना बिजली है, ना पानी है और ना गैस सर, है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को वो तमाम रिपोर्ट्स दिखाई जिसमें ये बताया हमने कि कैसे ड्रोन के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में ठंड के वेदर को ध्यान में रखते हुए क्या रशिया के लिए आसान होगा, क्या डिफेंड कर पाना यूक्रेन के लिए आसान होगा, खासतौर पर ड्रोन के माध्यम से जो हमले होंगे? हाँ देखो, अभी मैं ड्रोन का भी बताता हूँ, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि रूस वेपन के तौर पे विंटर को यूज करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करेगा और ऐसे मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगा सिविल का, कि जो सिविलियंस हैं वो कहीं आए और वो एजिटेट करें जेलेंस्की के अगेंस्ट और बोले कि लड़ाई इसको बंद करें। हाँ, जेलेंस्की पे इनडायरेक्ट प्रेशर, याद रखो अभी तक उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया। और जो ड्रोन की बात करिए, अगर मैं आपको बताऊं, जब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी तो अजरबैजान का जीत का कारण था जो ड्रोन मिले थे उसको, बरकतार ड्रोन तुर्की से और इजराइल से, और इसी प्रकार ड्रोन बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं रूस और यूक्रेन में। और जो यूक्रेन को ड्रोन मिले थे वो पहले स्विच ब्लेड ड्रोन मिले थे 700 के करीब अमेरिका ने दिए थे, उसके बाद 500 और दिए, और अब जो बरकतार ड्रोन जो तुर्की से मिले हैं TB2 वो गेम चेंजर है, उन्होंने बहुत नुकसान किया रूस के ऊपर, और रूस के पास अपने कोई अच्छे ड्रोन नहीं है और उसको कहीं खास मिलने ईरान से उसने फिर लिए शाहिद ड्रोन वो काउंटर करा है। मगर ये सच्चाई है कि ड्रोन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, और जैसे जैसे सर्दियां आएंगी ड्रोन का और ज्यादा उपयोग होगा, और मुझे लगता है जब तक काउंटर ड्रोन स्ट्रेटेजी नहीं आ जाती वर्ल्ड में ड्रोन का दबदबा रहेगा, और जिसके पास अच्छे ड्रोन है अब मुझे लगता है जीत उसकी होती है, और इसलिए ड्रोन जो है अब दोनों तरफ से ड्रोन लेने की कोशिश हो रही है, और मुझे लगता है यूक्रेन को जर्मनी भी ड्रोन दे रहा है, तो यूक्रेन का पासा थोड़ा सा ड्रोन के मामले में बिल्कुल, इतनी लंबी लड़ाई जो यूक्रेन ने लड़ी है और रूस को जब भी थोड़ा पीछे हटना पड़ा है तो उसका बहुत उसमें भूमिका रही है ड्रोन की। और लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव, मैं आपसे भी थोड़ा समझना चाहूंगी, इस पूरी युद्ध को अगर आप देखें तो ड्रोन ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है रूस को और कैसे यूक्रेन की मदद की है, थोड़ा आप समझाएं, और ड्रोन कितना इंपैक्टफुल अभी अगर इस ठंड के वेदर को देखते हुए हम समझने की कोशिश करें तो वो भी जरा बताएं। देखिए, ड्रोन जो है उसके अंदर प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स होते हैं, इसके अंदर काबिलियत होती है कि टारगेट को एक्वायर किया जाए
और उस टारगेट के ऊपर उस हथियार को धागा जाए, वो सीधा अपने टारगेट के ऊपर जाता है, उससे डिस्ट्रक्शन होता है। दूसरी चीज़ ये है, खासतौर पर मैकेनाइज जो फोर्सेज होते हैं, आपके टैंक्स होते हैं, बीएमपीज जो होते हैं, जो कि किसी देश का ऑफेंसिव कंटेंट होता है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है वो सबसे पतली होती है, साइड जो होती है काफ़ी मोटी होती है, और ड्रोन क्योंकि वो आसमान के अंदर से फायर करता है तो उसके अंदर जो डैमेज जो होता है वो वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन से होता है, और उसको बख्तरबंद गाड़ियाँ है और या टैंक है उनको तोड़ने बड़ी बखूबी उनको महारत हो जाती है। तो इसलिए ड्रोन जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा डेंजरस हथियार है, कम से कम वेपन्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन के जो टैंक्स हैं, बीएमपीज हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी जो भी उनके इंस्टॉलेशन हैं, जैसे कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनके जो भी लॉजिस्टिक्स के बेसिस हैं, उनके ऊपर बखूबी उनके ऊपर फायर किया जा सकता है। इसलिए इसकी जो डेंजरसनेस है उसका क्वेश्चन है बहुत हाई है। ठीक है सर, मैं विद्या आप ही से समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप बस वॉर जोन में मौजूद हैं। अगर ड्रोन के लिहाज से देखें, जैसा श्रीवास्तव ने भी कहा कि जो नेक्स्ट जनरेशन की पूरी लड़ाई होगी, वॉर होगी, वो ड्रोन पर निर्भर करेगी। जिसके पास ड्रोन बेहतर होंगे, काउंटर अटैक करने वाले ड्रोन होंगे, वो देश ज्यादा मजबूत होगा। अगर मौजूदा परिस्थितियों की बात करें, क्योंकि ये ड्रोन तो शुरू से एक्शन में, हालांकि अब यूक्रेन की पावर मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्या देख पा रहे हैं आप रशिया के पास, क्या उस लिहाज से काउंटर ड्रोन मौजूद है, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी ओर से हमले तेज कर दिए रूस पर। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं कि एक बार फिर से मैं वॉर जोन में मौजूद हूं, और यहां हमने पहले भी अलग अलग इलाकों में जाकर वॉर की तस्वीरें दिखाई हुई हैं, लेकिन एक बार फिर से टाइम्स नाउ नव भारत यूक्रेन में जिन शहरों पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो खेरसोन हो, खारकीव हो, ज़ेपोरिज़्या हो, सुमी हो, या फिर मैकोलिव हो, ओडिशा हो, हम अलग अलग शहरों में आपको ले जाकर वहां पर जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें दिखाएं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो आपने कहा है वो यूक्रेन के लिए ये है कि किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। देखिए सोवियत संघ के जमाने में रूस और यूक्रेन एक ही तरह के हथियार इस्तेमाल किया करते थे, एक ही तरह के हथियार के लिए दोनों के सैनिक ट्रेन हुआ करते थे, और वक्त बदल गया, यूक्रेन अलग हुआ सोवियत संघ से, लेकिन इसके बावजूद जो हथियार और ट्रेनिंग का जो तरीका था वो एक जैसा रहा। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अभी यूक्रेन के सामने है। देखिए रूस के पास तो हथियार भी मौजूद है, गोले बारूद भी मौजूद है, किंजल जैसे मिसाइल भी मौजूद है, जिससे अटैक करके रूस ने यूक्रेन को यह बता दिया है कि जब चाहे जैसे चाहे वो तबाही मचा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हथियारों की कमी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि नेटो देश की तरफ से, अमेरिका और यूके की तरफ से जो हथियार मिल रहे हैं उसको चलाएगा कौन, क्योंकि उसके लिए यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो ट्रेन नहीं है। ऐसे में उनको ट्रेनिंग भी देनी है, उनको तैयार भी करना है उन हथियारों को चलाने के लिए। अभी जो नेटो देशों की बैठक हो रही है, दो दिन की जो बैठक रोमानिया में हो रही है, उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई, कहा यह गया कि हम अलग अलग देशों से वो हथियार पहुंचाते हैं जिसका इस्तेमाल सोवियत के जमाने में नहीं हुआ करता था। उससे फायदा यह होगा कि रूस को काउंटर अटैक करने में काफी मुश्किलात आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मुद्दा जो बिल्कुल बड़ी जानकारी विद्या आप दे रहे हैं, आगे भी इसको और बेहतर तरीके से हम समझेंगे आपसे, लेकिन क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो पहले अपने दर्शकों को बताते हैं। यूक्रेन को एक और घातक हथियार मिलने वाला है। यूक्रेन जंग में अंडर वाटर ड्रोन की एंट्री हो रही है। यूक्रेन को अंडरवाटर ड्रोन बेल्जियम देने जा रहा है। यूक्रेन को 10 अंडरवाटर ड्रोन बेल्जियम देगा, और ये अपने आप में खास तकनीक है। सोचिए पानी के अंदर ये ड्रोन जो है वो हमला कर सकता है। सिवा सर इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ब्लैक सी है वहां से जो शिप्स में से ये बैलिस्टिक मिसाइल को इस्तेमाल कर रहा है रूस, चाहे वो आप खारकीव की तरफ फायर करें या इसको सर और बेहतर तरीके से समझेंगे आपसे और बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों ने ड्रोन को देखा है हवा से मार करते हुए, लेकिन अंडर वाटर ड्रोन किस तरीके से अपने आप में खासियत समेटे हुए वो पहले दर्शकों को दिखा देते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। वेस्ट के हथियारों से रूसी मिसाइलों को ढेर करने वाले यूक्रेनी जवानों को अब जो हथियार मिलने जा रहा है उसने मॉस्को में खलबली मचा दी है। पुतिन का वॉर रूम टेंशन में आ चुका है। रूस की नेवी भी अलर्ट मोड पर है।
क्योंकि यूरोपीय देश बेल्जियम ने यूक्रेन को अंडरवाटर ड्रोन देने का फैसला किया है। युद्ध में पहली बार यूक्रेन को अंडरवाटर ड्रोन मिलेंगे। 10 अंडरवाटर ड्रोन यूक्रेन भेजेगा बेल्जियम। खुद बेल्जियम के रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी। नए हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी देगा बेल्जियम। साफ है इस अंडरवाटर ड्रोन से यूक्रेन क्रीमिया पर हमला कर सकता है। क्रीमिया वो जगह है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीब है। साफ है समंदर में पानी के नीचे यूक्रेन को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। अंडरवाटर ड्रोन जेलेंस्की के हौसले को और बढ़ाएंगे। इसके अलावा बेल्जियम 2 मोबाइल लेबोरेटरीज भी यूक्रेन भेजने जा रहा है। बेल्जियम के रक्षा मंत्री की माने तो ये ऐसे स्थानों पर तैनात रहेंगे जहां न्यूक्लियर या केमिकल अटैक की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जनरल सिवाच, अब इस बात को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अंडर वाटर ड्रोन मिलने के बाद अब कैसे यूक्रेन को और मजबूती मिलेगी और रूस को और नुकसान झेलना पड़ेगा। देखो सच्चाई ये बात है, आज की तारीख में जो रूस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहा है यूक्रेन का। वो लैंड बेसिस से भी कर रहा है और सी से भी कर रहा है। वहां पर उसकी जो ब्लैक सी में जो शिप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, वो उड़ीसा के अंदर भी, खारासोन के अंदर भी फायर कर रही थी। अब जब से ड्रोन मिल जाएंगे यूक्रेन को, 10 बेल्जियम दे रहा है, इससे क्या होगा, इन शिप्स के ऊपर वो अटैक कर पाएगा तो इतना आसान नहीं होगा रूस को बेखबरी से ब्लैक सी पे करना। और दूसरा, जैसे अपने रिपोर्टर बता रहे थे कि कहीं ना कहीं क्रीमिया पे भी हमला कर सकते हैं ड्रोन। देखो ड्रोन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्रोन ज्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं, और इनको रडार ज्यादा पकड़ नहीं सकते क्योंकि लो हाइट पे हैं जो बार चलते हैं, और पानी में तो ये एक नया वेपन है। सच्चाई है कि जो पानी के ड्रोन तो ये पहली बार इस्तेमाल होंगे और ये एक गेम चेंजर होंगे। मुझे लगता है फोर्थ मल्टीप्लायर गेम चेंजर होंगे, और ड्रोन जो आज की तारीख में इतने गेम चेंजर हैं, जिसके पास अच्छे ड्रोन हैं उसकी जो है जीत होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अब एक चीज और समझनी पड़ेगी, जिस प्रकार से बातचीत कर रहे थे रिपोर्टर कि भाई जो सोवियत यूनियन के हथियार हैं वो टेक्नोलॉजी थोड़ी ऑब्सोलीट है, जो हथियार मिले हैं अमेरिका से और नेटो से, सच्चाई है उसी के कारण तो यूक्रेन लड़ा है। अगर आप, मैं बताऊं, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, आपकी स्टिंगर जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और स्विच ब्लेड ड्रोन, वो गेम चेंजर थे। उसके बाद उन्होंने ऑफेंसिव हथियार दिए, जब लड़ाई हुई डोनबास के इलाके में जो हाई मार्च या हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम, आरटी रॉकेट सिस्टम, उससे जो नुकसान रूस को हुआ है उससे काफी सेटबैक हुआ पुतिन को। तभी तो ये आपको देखें, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का खार्किव की तरफ जीत लिया, 6000 किलोमीटर का डोनबस में जीत लिया। तो ये जो सेटबैक होने की रीजन ये है, अच्छे हथियार नेटो और अमेरिका से मिलना, और यही आज की तारीख में प्रॉब्लम है रूस के पास। रूस के ने नो भिन्ने से लड़ाई लड़ रही है, उसका भी जो एक प्रकार वॉर वेस्टेड रिजर्व था वो खत्म हो रहा है, और इधर यूक्रेन को हथियार पे हथियार यूरोप और नेटो और अमेरिका। लेकिन एक बात और समझने वाली है कि क्या क्रीमिया तक पहुंच सकता है यूक्रेन, क्योंकि मदद तो दूसरे देशों से ले रहा है, और क्या ये मदद इतनी काफी होगी कि वो क्रीमिया पर भी आंखें दिखाए। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं, रूस के इशारों में न्यूक्लियर वार्निंग भी सामने आ चुकी है। अमेरिका जंग में दखल ना दे, रशिया इस बात को कह रहा है। तो दखल देकर खतरा बढ़ा रहा है अमेरिका, रूस से ये कह रहा है, और यूक्रेन पर अमेरिका से कोई बात नहीं होगी, रूस ये भी कह रहा है। तो विद्या, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, ये पहली मर्तबा नहीं है जब इशारों में न्यूक्लियर वार्निंग रूस की तरफ से दी जा रही है, और खासतौर पर ये जो वार्निंग है वो यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी है। जी देखिए श्वेता, ये यक्ष प्रश्न है, और इंडिया से लेकर और यूक्रेन तक हम जब लोगों से मिलते हैं, बात होती है, और हमने जब हम उन्हें बताते हैं कि हम वॉर कवर करने जा रहे हैं, हम युद्ध कवर करने जा रहे हैं, तो लोगों का एक सवाल होता है कि अगर रूस परमाणु हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा कहा जाता है कि पुतिन कभी भी परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर अभी तक रूस चुप क्यों बैठा है। दूसरा बड़ा सवाल जो लोगों से पूछा जाता है, जो आम लोगों के जहन में होता है, वो ये कि आखिर जेलेंस्की को ही टारगेट क्यों नहीं कर दिया जाता है, जब यूक्रेन में अलग अलग इलाकों पर रूस अटैक कर रहा है, तो फिर जेलेंस्की को अटैक करके सब कुछ खत्म एक मिनट में क्यों नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों ही सवालों का जवाब यह है कि देखिए, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में वैसे ही रूस अलग थलग पड़ चुका है, कई तरह के उस पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं बाकी मुल्कों की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा जो इस पूरे युद्ध में हमने रूस की तरफ से रणनीति के तौर पर जो बातें देखी हैं, वो बातें ये हैं कि रूस कभी नहीं चाहता है कि ऐसा मैसेज जाए दुनिया भर में जिससे ये दिखे कि आम लोग
लोगों पर रूस ने अटैक किया है। जब भी ये दावा किया गया है कि यूक्रेन में आम लोगों को टारगेट किया गया है तो रूस ने उसको खारिज किया है। ठीक इसी तरीके से आपको याद होगा कि इससे पहले जब परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ था, जब परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था, उसकी गूंज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज तक सुनाई देती है। और यही वजह है कि रूस नहीं चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के सवाल उसके सामने खड़े हों, और आने वाले वक्त में जो उसको इस वक्त सहयोग भले ही ना दे रहे हों लेकिन उसके साथ करीब और तटस्थ नजर आ रहे देश हैं वो भी किनारा कर लें। तो ऐसे में रूस के सामने इस जंग में परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उसके इस्तेमाल के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या उसके बाद इस ये युद्ध जो है वो थम जाएगा। आपने बहुत अहम बिंदुओं को इस पूरी चर्चा में शामिल किया है, मैं इसी से बात आगे बढ़ाता हूं रामेश्वर सर, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि विद्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर सक्षम है रशिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने में तो वो इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, और क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है कि रशिया बौखलाहट में ही सही लेकिन उसका इस्तेमाल कर दे। अब देखिए न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये युद्ध को मीन्स दूर रखने के लिए होता है। देखिए अभी 10 महीने हो गए हैं, लड़ाई चल रही है और पहले शुरू से ही यही बात चलती रही है मीडिया में भी और जितने भी बयान आए हैं अमेरिका की तरफ से, रशिया की तरफ से, और रशिया बोलता रहता है कि साहब हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ये सिर्फ एक थ्रेट है, उसका इस्तेमाल करने का जो रिप्रिकॉशंस है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। पूरी दुनिया इस युद्ध में शामिल हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। अमेरिका अगर रशिया इस्तेमाल करता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, उसके बाद अमेरिका एक बाई स्टैंडर्ड नहीं रह जाएगा, उसको इस युद्ध के अंदर शामिल होना ही पड़ेगा। और अगर ऐसी हालत आई तो पूरा विश्व जो है वो इस विनाश के कगार पे खड़ा हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर वेपन जो है दे आर डेटरेंस। और अभी आप देख लीजिए कि ये डेटरेंस जो है 10 महीने हो गए हैं, हालांकि बयानबाजी चलती रहती है लेकिन कोई भी ऐसा एक्शन नहीं सामने आया है जिसमें न्यूक्लियर वेपन या बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स को इस्तेमाल करने का एक्चुअल बात सामने रखी जाती है। जनरल सिवास, अगर मैं आपसे समझूं, एक साइकोलॉजिकल वॉर फेयर भी तो चलता है। जब भी हम देखते हैं इस तरीके का कोई भी युद्ध होता है तो साइकोलॉजिकली भी एक दूसरे को कमजोर करने के लिए वीडियो जारी किए जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि ये इस लड़ाई के अंदर दोनों तरफ से क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं, और साइबर वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर, प्रोपेगेंडा वारफेयर, ये हाइब्रिड वारफेयर का एक प्रकार से अंग है और ये मॉडर्न वार में चलेगा। मगर जब बात आती है न्यूक्लियर हथियार की तो देखो 1945 के बाद कोई भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि ये वेपन ऑफ स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है, ये लड़ाई के वेपन नहीं है। अगर हम सोचें कि क्या रूस इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो कर देता तो क्या होगा, देखो दो सिचुएशन है। एक तो रूस तभी करेगा जब वो बिल्कुल कॉर्नर हो जाता है, ह्यूमिलेट होता है पुतिन, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तब वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। मगर उसको लिए उसको दो चीजें सोचनी पड़ेंगी। एक तो क्या उसने हथियार यूज किया तो बाद में अमेरिका और बाकी देश भी इस लड़ाई के अंदर आ जाएंगे और न्यूक्लियर हथियारों का एक प्रकार से होड़ लग जाएगा, पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह, अगर न्यूक्लियर हथियार यूज करता है और अमेरिका यूज नहीं करता तो देखो अब छवि कैसे खराब होगी रूस की। पहले इकोनॉमी बहुत डाउन है, मिलिट्री भी पावर क्वेश्चन मार्क आ गया है, कुछ एक देश उसके साथ अभी भी खड़े हैं जैसे भारत भी इनडायरेक्टली, वो सारे मुंह मोड़ लेंगे तो एक प्रकार से पुतिन और रूस जो है आइसोलेट हो जाएगा। तो इसलिए वो उसको पता है कि ये हथियार जब तक ना यूज करो तो इसकी पावर है, जिस दिन यूज कर लिया बड़ी बात दबाव के लिए ये तमाम बातें जो है वो सर कही जाती है, और अगर इस्तेमाल कर लिया तो दबाव खुद रूस पर होगा।